उन्नत भारत का लोहा मनाया रहा जमी पे, चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया, विश्व के शिखर पे आया भारत। सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हमारे वैश्विक नेतृत्व मोदी जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सालों से देश था हाल बेहाल, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धीमी पड़ी थी चाल, ऐसे में एक साधु आया था, कोई उसको ना मोह ना माया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी, और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया रहा जमी पे, चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया, विश्व के शिखर पे आया भारत। सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। मोदी मोदी, कुछ ही पलों में विश्व के सबसे ताकतवर नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले हैं, मंच पर उपस्थित होने वाले हैं। गोविंद देव जी की नगरी छोटी काशी जयपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी का तालियों के गड़गड़ाहट के साथ आप सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। नारी के उत्थान के लिए संकल्पित, इस राष्ट्र के विकास के लिए समर्पित और भारत के नवयुग के प्रणेता माननीय प्रधानमंत्री जी का वीर धरा, वीरों की भूमि। मोदी 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 मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। सभी से आग्रह है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ ही पलों में वैश्विक नेतृत्व, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता मंच पर पधारने वाले हैं। हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी 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 मोदी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हर
हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, मोदी, मोदी। नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, हमारे सहयोगी नीरज जो है वहां मौजूद हैं। नीरज, जानकारी लेना चाहेंगे, एक अलग ही उत्साह जो है वो नजर आ रहा है यहां पर, खासतौर से जो महिलाएं हैं जिन्होंने भव्य स्वागत किया प्रधानमंत्री का। नीरज जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल उत्साह है, और आप देखें कि जिस तरीके से आधी आबादी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है वो अपने आप में अद्भुत है। और इससे पहले आपने देखा भी होगा कि बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं थी वो पीले चावल लेके जिस तरीके से डोर टू डोर निमंत्रण दे रही थी, उसका असर है वो दिखाई भी दे रहा है। आप देखें कि कितनी बड़ी संख्या में जो नारी शक्ति है वो यहाँ पर मौजूद है, कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार नारी शक्ति के लिए तमाम तरह की जो योजनाएं लेके आ रहे हैं, नारी शक्ति के लिए जो तमाम तरह के जो कार्य किए जा रहे हैं, उसका जो असर है वो आपको इस रैली ग्राउंड में दिखाई दे रहा है, कि जहां लाखों की संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, जो अपने आप में बताता है कि किस तरीके से महिला आरक्षण बिल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर खास तौर से राजस्थान की महिलाएं अपना जो प्यार है, अपना जो आशीर्वाद है वो देने के लिए प्रधानमंत्री की रैली स्थल तक पहुंची है। जी बिल्कुल, खासतौर से अगर परिवर्तन संकल्प यात्रा की हम बात करें, इसमें भी हमने देखा किस तरीके से बदलाव आया, और एक बड़ी करीब 200 विधानसभा क्षेत्रों को इसने कवर किया, और उसी के समापन पर आज यहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, जो अब से कुछ देर बाद लोगों को संबोधित भी करेंगे। देखिए बिल्कुल, आप देखें कि 2 सितंबर से ये परिवर्तन संकल्प जो यात्रा है वो शुरू हुई थी राजस्थान के अलग अलग हिस्से से। 2 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी 2 तारीख को, 2 सितंबर को, और इस 3 सितंबर को खुद जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो भी राजस्थान पहुंचे थे। इसके अलावा जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो 4 सितंबर को पहुंचे थे, और 5 सितंबर को जो नितिन गडकरी हैं वो पहुंचे थे। और राजस्थान के अलग अलग हिस्से से ये परिवर्तन यात्रा है निकलनी शुरू हुई थी, और अगर हम बात करें तो 9000 किलोमीटर का करीब एरिया है वो इन्होंने कवर किया था इन परिवर्तन यात्राओं से, और 200 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये गुजरी थी। आज इसका समापन है, प्रधानमंत्री उसी देर के बाद इस परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित करेंगे, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर उत्साह है उससे भारतीय जनता पार्टी भी काफी कह सकते हैं कि बूस्ट हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का फायदा हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो इस समय ऊर्जा से कह सकते हैं कि भरे हुए हैं, और खास तौर से महिलाओं में जो उत्साह है वो देखने ही लायक है। मुकुल जी, नीरज, ना सिर्फ जो नेता बल्कि वहां पे जो मौजूद आम जन है, जो इतना विशाल जनसमूह यहाँ एकत्रित है, वो भी पूरे उसी जोश और उत्साह से लबरेज नजर आ रहा है यहाँ पर आज। देखिए बिल्कुल लबरेज नजर आ रहा है, और आप देखें कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो हर वर्ग में है, चाहे वो युवा वर्ग हो, इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, इन तमाम लोगों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो काफी ज्यादा है। आप देखें दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस रैली में जो युवा वर्ग है वो भी बड़ी संख्या में आपको दिखाई दे रहा है इन दृश्यों में, इसके अलावा महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में दिखाई दे रही है। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर, प्रधानमंत्री की नीतियों को लेकर कितनी स्वीकार्यता है इन सभी वर्गों में। और आप देखें जैसे प्रधानमंत्री तमाम योजनाओं की शुरुआत करते हैं, आप अगर देखें उज्ज्वला योजना जो शुरू की गई, और बड़े पैमाने पर महिलाओं को गैस के सिलेंडर दिए गए, और खास तौर से जो चूल्हे से खाना बनाती थी तमाम तरह की बीमारियां महिलाओं को हो जाती थी उससे मुक्ति देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। आप देखें शौचालय बनाए, पूरे देश के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए, और ये इसका जो फायदा है वो सबसे ज्यादा महिलाओं को ही मिला, क्योंकि उनको शौच के लिए जब बाहर जाना पड़ता था तो कह सकते हैं कि एक बड़ा अपमानजनक स्थिति रहती थी। आप देखते हैं कि जो गरीब लोग थे। माननीय प्रधानमंत्री, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां मंच पर पहुंच चुके हैं। गोविंद की नगरी छोटी काशी वीर भूमि राजस्थान में विश्व के सबसे ज्यादा शक्तिशाली नेता का स्वागत है, अभिनंदन है। नारी के उत्थान के लिए संकल्पित, राष्ट्र को के विकास के लिए समर्पित नव युग के प्रणेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत है।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी 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 मोदी। हमारे आदरणीय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान की वीर भूमि में पधार चुके हैं, गुलाबी नगरी जयपुर में उनका आगमन हो चुका है, मंच पे विराजमान है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मातृशक्ति हमारे लिए तो बहुत बड़ा वरदान दिया है मोदी जी ने, तो एक बार बहुत जोरों से प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत कर्तव्य ध्वनि ध्वनि से आप सबको धन्यवाद देना है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सीपी जोशी जी साहब से आग्रह करती हूं कि वे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का साफा पहनाकर स्वागत करें।